लगभग हर कोई सपना देखता है। सपने देखना हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। मनुष्य सदियों से सपने देखता आया है। वहीं अगर सपना नवरात्रि में आए और माता रानी के हों तो उसकी बात ही अलग है। नवरात्रि का पर्व बहुत खास मना जाता है। ऐसे में नवरात्रि में बहुत से खास संकेत होते हैं जो मिलते हैं। ऐसे में नवरात्रि में कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सपने में माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ, कई बार लोगों के सपने में भगवान आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद भक्त खुश हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें स्वप्न शास्त्र की तो सपने में भगवान का आना एक अच्छा और बुरा दोनों संकेत हो सकता है। वहीं इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सपने में भगवान का कहाँ और किस रूप में देखा है। दरअसल कई बार भगवान आपके सपने में आकर आपको आने वाले पूरे वक्त के लिए आगाह भी करते हैं, तो कई बार ये संकेत भी दे जाते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, ऐसे में हर कोई इन दिनों माता रानी को प्रसन्न करने में लगा है। लेकिन आजकल कुछ लोगों के सपने में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके सपने में माता रानी आई हैं या आने वाली हैं, तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सपने में माँ दुर्गा के किसी रूप में दर्शन हो जाए तो फिर क्या किया जाए। स्वप्न शास्त्र की माने तो नवरात्रि के दौरान सपने में दुर्गा कई रूपों में नजर आ सकती है। जानिए क्या होता है इन सपनों का अर्थ। बता दें कि अगर सपने में किसी व्यक्ति को माँ दुर्गा शेर में सवार होकर नजर आती हैं और शेर दहाड़ रहा है तो इसका मतलब अशुभ होता है। स्वप्न शास्त्र के माने तो इस प्रकार के सपने का अर्थ है कि कोई बड़ी समस्या आ रही है। इस समस्या से बचने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को क्रोधित अवस्था में सपने में नजर आती है तो इसका मतलब है कि आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उस काम को ठीक करके सही रास्ते में चलें। नहीं तो आने वाले समय में शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि सपने में माँ दुर्गा के काले वस्त्र में देखना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपको ऐसा सपना दिखता है तो भविष्य में कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में टूटी हुई मूर्ति दिखती है तो समझ लें कि यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ दुर्गा किसी कारण से आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दूसरे दिन ही माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ क्षमा याचना करें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को माँ दुर्गा लाल जोड़ी में मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, तो इसका मतलब शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। बिजनेस और नौकरी में भी लाभ मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वप्न शास्त्र की माने तो अगर सपने में माँ दुर्गा का मंदिर दिखे तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके घर खुशियां दस्तक देने वाली है और आपको धन लाभ मिलने वाला है।